खबर थराली से है, जहां पर नारायणबगड़ कस्बे में किराए के मकान में रह रहे सनेड़ निवासी धीरज सिंह के कमरे में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कमरे में रखा सामान, बिस्तर, कपड़े, सामग्री और नकदी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि धीरज सिंह की पत्नी खाना खाने के लिए किसी काम से बाजार चली गई थी। पड़ोस के लोगों ने जब कमरे से धुएं की लपटें देखी तो दूसरे पड़ोसियों को बुलाया और कमरे का दरवाजा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। सूचना दिए जाने पर तहसीलदार हरीश चंद्र पांडे, पुलिस चौकी प्रभारी नवीन नेगी और फोर्स मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। मेरा नाम करिश्मा बिष्ट है और आज हमारे मोहल्ले में यहाँ पे हमारे बगल पड़ोसी में आग लग गई है। वो मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। फिर वहाँ पे ताला भी लगा था तो हमने देखा साइड खिड़की के रास्ते धुआं आ रहा था, तो हमने अपने बगल पे भैया लोग थे और मोहल्ले में दो चार और भी थे तो उनको बोल करके हमने ये दरवाज़ा तोड़ा पैर के रास्ते, क्योंकि ताला तो टूट नहीं रहा था तो हमने दरवाज़ा तोड़ा, तो वहाँ अंदर देखा तो बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था, तो इसलिए हमने दो तीन भैया लोग का और हेल्प लिया। तो वो अंदर जा करके उनने बाल्टी के उससे पानी अंदर डाला और वहाँ पे आग बुझाई थोड़ा बहुत। मम्मी तो खाना खा के पा रहा, पाँच मिनट भी नहीं हुआ। मैं घूमने गई थी, मेरे अंदर पूरा आग कैसे चल गया, पूरा सामान मेरा चल गया, दीवान वगैरह कपड़े पूरा आग चल गई, टीवी वगैरह कुछ सामान नहीं रहे मेरे। और नगद वगैरह तो नहीं, और क्या नुकसान हुआ? पैसा हुआ मेरा 35,000।